ये सब जानते हैं कि पीरियड्स के बाद फर्टाइल विंडो आती है, लेकिन फर्टाइल विंडो में करना क्या है, आपको डाइट कैसे लेनी है, क्योंकि आपके बॉडी का न्यूट्रिशन लेवल ही आपको प्रेग्नेंट बनाने में हेल्प करने वाला है। सो आज के वीडियो में जानेंगे कि पीरियड्स जब खत्म हो गए उसके बाद क्या डाइट लेनी है जिससे कि प्रेगनेंसी के चांसेस हायर हो जाए। हेलो वेलकम विद यू टू यूट्यूब सहेली चैनल। आशा करती हूँ मेरी सभी फ्रेंड्स हैप्पी हैं, हेल्दी हैं एंड ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें कंसीव हो जाए। यूट्यूब सहेली चैनल के वीडियोस एंड डाइट टिप्स की हेल्प से जो भी हम आपसे शेयर करते हैं, बहुत सारी महिलाओं ने अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, अपने हस्बैंड्स की प्रॉब्लम्स को ठीक किया है, क्योंकि डाइट टिप्स आपको नेचुरली और कंप्लीट हेल्थ देती हैं, ठीक कर देती हैं आपको पूरी तरीके से और आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाते हैं। सो हम भी इस चीज़ से बहुत उत्साहित रहते हैं। आज हम ऐसी कुछ बातें करने वाले हैं जो आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत हेल्प करेंगी। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, फॉलो करना भी बहुत आसान होता है और जब आपको फायदा होता है तब आप बहुत खुश रहते हैं, आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर पाते हैं। पीरियड का फर्स्ट डे आपकी साइकिल का फर्स्ट डे होता है। अगर 5-7 दिन पीरियड्स चला है तो 14-15वें दिन के आसपास ओवुलेशन का टाइम हम मानते हैं और एक फर्टाइल विंडो डिज़ाइन किया हुआ है, हमने इस पर वीडियो भी शेयर किया है, इसके लक्षण भी बताए हैं कि कैसे पता करोगे आप घर बैठे। तो ये जो फर्टाइल विंडो होती है उसमें आपकी डाइट जो है बहुत मायने रखती है। डाइट डिस्टर्ब होने से आज के टाइम में देखा जाता है कि बॉडी बहुत सेंसिटिव हो गई है फीमेल्स की, ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्बेंस, हार्मोनल्स अप एंड डाउन, स्ट्रेस, ये सब जो चीजें होती हैं ये ओवुलेशन को डिस्टर्ब कर देती हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे में कुछ डाइट टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, ट्राई कीजिए और फिर मजा उठाइए क्योंकि ये प्रूवन टिप्स हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए पीरियड्स जब होते हैं तो महिला के शरीर में आयरन स्टोर जो होता है, आयरन जो हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है ब्लड में, डेफिनेटली थोड़ा सा लो लाइन आ जाता है, तो हमको एटलीस्ट उसको 12 तक मेंटेन करना है, हीमोग्लोबिन का लेवल 12 तक मेंटेन करना है। तो आयरन रिच फूड खाना है, क्यों, क्योंकि आयरन जो है हार्मोन को बैलेंस रखने में, ओवुलेशन को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आयरन रिच फूड खाना है, जैसे दाल पालक आप बना लीजिए, बीन्स को ज्यादा यूज कीजिए, छोले राजमा यूज कीजिए, बीटरूट यूज कीजिए, एप्पल, अनार, जो भी आयरन रिच चीजें आपके घर में आसानी से अवेलेबल है, आप सीड्स होते हैं गार्डन क्रिस सीड्स को भी नींबू पानी में ऐड करके ले सकते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारी डाइट के आइडियाज बताए हैं कि आयरन इनटेक कैसे बढ़ाना है। जिनको बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, जो बहुत ज्यादा एनीमिक रहते हैं, कई फीमेल 7-8 हीमोग्लोबिन में चलती रहती हैं, काम करती रहती हैं, तो उनके लिए मैं कहूंगी कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ सप्लीमेंट्स लिखवा लें और सप्लीमेंट्स भी साथ में लेती रहें जिससे आपको जल्दी और अच्छा इंप्रूवमेंट लगेगा डाइट के साथ। तो आयरन रिच फूड खाना है। दूसरी चीज होती है कैल्शियम, कैल्शियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कैल्शियम और प्रोटीन दोनों ही आपको मिल जाता है अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हो। दूध दही का सेवन करना है, मतलब 400-500 ग्राम दूध या उससे बनी हुई कोई भी चीज आपको कंज्यूम करनी है पर डे। लैक्टोज की प्रॉब्लम है, दूध पचता नहीं है, तो आप फर्मेंटेड यानी कि छाछ दही का इस्तेमाल करें, बेटर है कि आप बटर मिल्क या छाछ का इस्तेमाल करें। आप इसको ओट्स में मिला के, मिलेट्स में मिला के इसका आप राब बना के किसी भी तरीके से बटर मिल्क को कंज्यूम करें, बट एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ बटर मिल्क डेली कंज्यूम करें, तो कैल्शियम और प्रोटीन आपको दोनों इसमें मिल रहा है। प्रोटीन भी बढ़ाने की जरूरत होती है क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमारे एंजाइम के एक्शन को सपोर्ट करता है, तो प्रोटीन अगर नहीं है तो हॉर्मोन्स सफिशियंट बनने में हेल्प नहीं मिल पाएगी। तो प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं इंडियंस, तो ऐसे में हमको क्या करना है, वेजिटेरियन है तो छोले राजमा नाश्ते में स्प्राउट, काले चने उबाल के या कच्चे भुने हुए चने, चने का सत्तू, इनको आप थोड़ा खाने में ज़्यादा ही मिलो फर्टाइल विंडो से पहले पीरियड के बाद, इनको आप अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए कि हर दिन एक बार बीन्स या हर दिन दाल एक बार ज़रूर खानी है, एक बीन्स ज़रूर खाने हैं किसी भी तरीके से, तो इससे आपका प्रोटीन इंटेक भी इम्प्रूव होगा। लेकिन याद रखिए फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन इंटेक पर डे अपने शरीर के वजन का, सपोज अगर आप 55 किलो के तो 55 ग्राम, कम से कम 55 ग्राम प्रोटीन आपको खाना है। 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन खाना जरूरी है। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग और चिकन आप ले सकते हैं, फैटी फिशेस भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन समर सीजन में जो हैबिचुअल नहीं है फिश खाने के वो फिश अवॉइड करें, काफ़ी फास्फोरस होता है तो उनको बॉडी हीट का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन जो हैबिचुअल लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, हीट की प्रॉब्लम होती है, आप फिश को कंज्यूम करना स्टॉप कर सकते हैं। विटामिन डी का स्तर बढ़ाने के लिए भी डेयरी बहुत अच्छा है, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें। शुगर, जो वाइट शुगर होती है उसका कम इस्तेमाल करें, अगर कुछ मीठा यूज़ करना है तो उसमें खजूर के गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, मीठा लेना है चाय में ग्रीन टी में तो आप हनी का इस्तेमाल कीजिए, गुड़ और शक्कर में ये कहूँगी कि गुड़ भी यूज़ करें तब जब बाकी ऑप्शंस खत्म हो या घर में है नहीं, पाम जैगरी आपके पास नहीं है, तब आप
गुड़ का इस्तेमाल करें, अदरवाइज शक्कर और गुड़ दोनों से इन दिनों बचे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम अनाज में और बहुत सारी चीजों में ऑलरेडी ले रहे होते हैं। तो प्लेन कार्ब्स लेके इस समय ज्यादा हमको फायदा नहीं होगा, ये हॉर्मोन्स को अल्टर करने का ही काम करेगा। मिठाइयाँ, जिससे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मीठी चीजें हो रही हैं, इन चीजों को आप अवॉइड जरूर करें। सन बाथ लेना बहुत जरूरी है और एडिक्वेट स्लीप, पर्याप्त मात्रा में नींद, 7 से 8 घंटे की नींद, और सुबह की धूप में थोड़ा बाहर टहलना या धूप सेकना, धूप में बैठना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपका विटामिन डी अब्सॉर्प्शन, विटामिन डी का फॉर्मेशन जो बॉडी में है, जो आपने विटामिन डी के प्रीकर्सर्स आपके बॉडी में है, उससे विटामिन डी का फॉर्मेशन होगा और आपके ओव्यूलेशन को सपोर्ट करेगा। तो ये सारे टिप्स थे कि आपका ओव्यूलेशन समय से हो, ओव्यूलेशन में डिस्टर्बेंस ना हो, हार्मोन बैलेंस रहे, ओव्यूलेशन टाइम से हो, फर्टाइल विंडो के सारे सिम्टम्स आपके फील हो और बॉडी आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करे। इन चीजों से आपकी एग की क्वालिटी भी मेंटेन होती है, आपके हार्मोन्स भी मेंटेन होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने पीरियड्स के बाद इन टिप्स को जरूर फॉलो करेंगी, ट्राई करेंगी इनको और जल्दी से सक्सेस होगी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।